सब्सक्राइब कीजिए जीनस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस इंग्लिश चैनल। आज मैं सेंटेंस के बारे में इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ, जो ग्रामर का बहुत ही जबरदस्त ये टॉपिक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। शब्दों के वैसे समूह को हम वाक्य कहते हैं जिसका पूर्ण मीनिंग हो। तो सेंटेंस कितने भेद होते हैं, शायद आप जानते होंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पांच भेद होते हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, या इसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। द सेंटेंस विच अफर्म और डिनाई दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। और जो मॉडर्न ग्रामेरियन है इसे स्टेटमेंट का नाम देते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया है, जो असर्टिव सेंटेंस के दो भेद होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ आप देखेंगे रिबेका रोट ए लेटर, यह पॉजिटिव है, रिबेका ने पत्र लिखा। रिबेका डिडंट राइट ए लेटर, यह नेगेटिव है। तो यह प्लस माइनस में मैंने आपको बताया। अब दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मॉडर्न ग्रामेरियन क्वेश्चन बोलते हैं, और उस सेंटेंस के अंत में नॉट ऑफ इंट्रोगेशन आता है, ध्यान रखेंगे। और असर्टिव के अंत में फुल स्टॉप का यूज होता है। तो हु टीचेज यू, डब्ल्यू एच क्वेश्चन हुआ ये। और डू यू सिप टी, क्या आप चाय पीते हैं, तो इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो भेद होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चन और यस नो क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन में when, why, which, etc. इससे क्वेश्चन बिगिन होते हैं, बिगिनिंग करते हैं। और जो क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन है, या बिगिनिंग एक्जिलरी वर्ब, ऑक्जिलरी वर्ब से हम बिगिनिंग करते हैं, किसी हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। डू शिफ्टी, तो इसका जवाब हम यस नो में देते हैं। यस आई डू, यस आई शिफ्टी, नो आई डोंट शिफ्टी, थैंक्स। तो इस तरह का जवाब हम जब हम यस नो में देते हैं तो वह यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे मॉडर्न ग्रामेरियन कमांड भी कहते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि यह रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, इंट्रेटिव या बतलाता है। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तो ऑलरेडी यह क्या है, तो हम ऑर्डर किसी को दे रहे हैं, अपने सर्वेंट से कमांड कर रहे हैं, प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया गरीबों की मदद करें, या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल, कम हियर एट वंस, यहाँ अचानक आओ, ठीक है गाइज। तो इसके एंड में फुल स्टॉप का यूज होता है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी विस्मयबोधक वाक्य जिसे हम बोलते हैं, इसके एंड में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन आता है। सडन फीलिंग ऑफ योर हार्ट है, जैसे कोई एबोमिनेशन है, हेटेड है, लव है, अफेक्शन है, डिलाइट है, सोरो है, इन सबको बतलाता है। तो देखेंगे व्हाट अ प्रीटी गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है, बहुत ही डिलाइट है, बहुत ही रैप्चर्ड सिचुएशन है। हुर्रा आई वन द मैच, शाबाश मैंने मैच जीत ली। तो यहाँ पर अलास इज नो मोर, वह नहीं रही। तो इस तरह से बहुत सारे हैं। तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हैं, गाइस आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी जो पर्टिकुलर वर्ड है अलास, ओ, इसके बाद ही एक्सक्लामेशन जो मार्क हम लगा देते हैं, कभी सेंटेंस के एंड में जो पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस होता है उसमें हम लगाते हैं। अब जो नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्ट का मतलब होता है टू डिजायर, इच्छा करना। तो जब हम किसी को विश करते हैं नए साल पर, या किसी की शादी की सालगिरह हो, शुभकामना हम बेस्ट विशेष देते हैं, तब ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम यूज करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तो यह आपकी आयु लंबी हो। मे योर ड्रीम्स बी फुलफिल्ड, आपके जो सपने पूरे हों। तो ये ऑलरेडी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लेकिन जो मॉडर्न ग्रामेरियन है इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, इसे वह एक्सक्लामेशन में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो आप
फिर से बाय हार्ट लर्न कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट है जो स्टेटमेंट है, सेकेंड जो क्वेश्चन है, थर्ड कमांड है, फोर्थ एक्सक्लेमेशन है। गाइज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे बाय हार्ट लर्न कर लेंगे। जो कोई भी सेंटेंस है उसके दो पार्ट होते हैं, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, परफॉर्मर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो परफॉर्मर होता है किसी वर्क का, ठीक है। द वर्ड व्हिच सेज समथिंग अबाउट वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो वर्ब के बारे में कुछ करता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो रिवेका रोटे लेटर, रिवेका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह प्रीडिकेट होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि रोटे लेटर यह प्रीडिकेट है, यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड्स आते हैं वह जो प्रीडिकेट होता है। तो आप ध्यान देंगे, तो आप बाय हार्ट इसे लर्न कर लेंगे तो आप ठीक है। मेरी वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे।